जाना चाहें जगिंग हैट्स का कन्वर्सेशन आप करने वाले हैं, आप बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं आज के इस वीक को लेकर, इस फेस्टिवल को लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एक जब उत्सव मनाया जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक बहुत ही पॉजिटिव सा ऐसा एक फील होता है, जहाँ पर एक नए लोग होते हैं, जो नई पीढ़ी होती है, जो थोड़े सीनियर्स को सुनना चाहती है। और जहाँ तक जगलिंग हैट्स का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि आप आते हो बशर्ते, ऐसे कई लोग हैं जो एक एक्टर बनने आए, फिर डायरेक्टर बने, कुछ राइटर बने, तो हम भी अपनी निजी यात्रा में एक्टर बतौर आए, लेकिन उसके बाद लिखना शुरू कर दिया, फिर डायरेक्शन किया और कुछ प्रोड्यूस किया, और ज़्यादा समय थिएटर में बिताया। तो ऐसे में जब आज बुलाया जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको समेट रहा हो और वो आपसे कह रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बताओ। तो बस ऐसा लग रहा है आज के जगलिंग हैट से तो पता चलेगा कब कहाँ हैट कौन सी बदली गई। क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड माने जाते हैं, क्या कुछ टिप्स देने वाले अगर किसी की इच्छा है डायरेक्शन में जाने की, किसी की इच्छा है थिएटर करने की, कोई एक्टिंग करना चाहता है, क्या कुछ टिप्स देने वाले आप बच्चों को, स्टूडेंट्स अपनी तरफ? मुझे लगता है कि हर एक जो आपका एक अंग है, जिसे हम कहते हैं कि एक स्पॉट में आने वाला अंग जिसे हम कहते हैं, तो वो किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर एक्टर है तो अगर वो एक्टर लिख रहा है तो लिखने वाले को फ़ायदा होता है कि वो एक्टर है, क्योंकि वो उसका रिदम जानता है। एक्टर का एक माइंड जो होता है, कैरेक्टर का माइंड, हो सकता है राइटर लिखे लेकिन उसकी जो आवाज़ है वो मेरे ख्याल से एक एक्टर होने की वजह से उसको राइटर को मदद कर सकती है। और जब राइटर लिखता है तो हो सकता है उसके भीतर एक डायरेक्टर छुपा हो जो उसे कहता है कि ये सीन कहाँ ख़त्म होना चाहिए, किस ड्रामेटिक वे में ख़त्म होना चाहिए। और फिर राइटर डायरेक्टर मिलके मेरे ख्याल से एक ऐसे एक्टर की तलाश में होते हैं जो लिखा हुआ है वो लोगों तक पहुँचाने में कामयाब हो। ढेर सारे सिनेमा में चेंजेस भी आ रहे हैं, और कल का भी एक सेशन था कि चेंजेस का भी सेशन था, बॉलीवुड चेंज, आप बताइए कि आपके अनुसार क्या चेंज होना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री में? हो रहा है, होगा ही। मुझे बताइए, आज जब अगर बड़े से बड़ा प्रोडक्शन आज वेब सीरीज़ बना रहा है तो बदल तो हो ही गया। मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविज़न से हम कम्पीट कर रहे थे, मुझे लगता है वेब सीरीज़ से कम्पीट करना पड़ेगा, क्योंकि वेब सीरीज़ में अब सारी जो कहानियाँ जो आपको एक बड़ी मतलब एक फिल्म में बताई नहीं जा सकती थी, वो हो सकता है 10 एपिसोड के एक सीज़न में बताई जाए आपको। तो बदल तो अनिवार्य है, और परिवर्तन अगर संसार का नियम है तो मुझे लगता है बॉलीवुड उसको अपवाद कैसे हो सकता है। स्टूडेंट्स को कुछ कहने वाले हैं, क्योंकि आपको हम देखते हैं एक सुपरस्टार या एकदम बड़े बड़े प्रोडक्शन की आप फिल्में भी करते हैं और आप छोटे बजट की भी फिल्में करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान के साथ, सलमान खान के साथ काम करने के लिए ही आए हैं, उनके साथ ही काम करेंगे। ऐसे बच्चों को कुछ टिप्स देंगे, क्योंकि ऐसे कुछ सवाल भी लोग पूछते हैं कि अरे मुझे शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका मिलेगा, तो आपको इन सारी चीज़ों से भली भांति है? पहली बात तो ये है कि देखिए, हर दौर का अपना एक शाहरुख खान होता है, जैसे बच्चन साहब तो आज भी है, वो बात अलग है, लेकिन बहुत कम बार ऐसे होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो जो यंग जनरेशन है उन्होंने अपना भी शाहरुख खान ढूंढना चाहिए, हो सकता है वो खुद ही हो। फिर दूसरी बात ये है कि तलाशने से यार हमारे तय करने से कुछ होता नहीं है, एक आप सोचते हो और एक दुनिया सोचती है, तो दो वर्ल्ड साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं, तो उसके बीच समन्वय कब होगा, दोनों सब साथ में कहाँ आएंगे, वो अपनी जगह है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है लोगों ने समय के साथ रहना चाहिए और रोज़ काम करना चाहिए, जो हाथ में लग जाए वो तुम्हारा है।